我操，哎，那干什么？你们都订票到啥？你个人都得到目的。Good job, good job. Zaid ने चीनी भी छोड़ी हुई है और साथ में बाहर जाके छुपके छुपके नहारियां खा के आते हैं तो फिर एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है। वो एक करी खाने की गलती हो गई। वो भी तेरे फेवर दिता भी तेरे सामने ना खाओ चोरी खाती जा रही। फिर ऐसा एक्सरसाइज तो करनी है ना। देखा ट्रिप नहीं होगा। नाइस, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। बस कर दे जाद, बस। हाँ? बस कर दे। वो अपना पूरा कर ला टारगेट। हाँ हो टारगेट पूरा हो जाए तो यो फिर आज तू बाहर जाके छुप के की खाना। हाँ? आज जाके बाहर की खाएगा तू? नहीं खाना तो तेरे को बगैर खा सकता। हाँ हाँ वो तो उन मेनू पता लग गया। उन तो रोज मेनू पता लग जाया करना की खाना। इस करके ना मैंने सच बोल के भी कभी बंदा फंस जाता। कल तेन की कहता भी इतनी हरी खाधी है मैं चोरी दिन लिया दी इस करके भी तेरा नुकसान हो जाएगा। हलवा मैं छोटी छोटी गलत कसम ही चुकदा वे। तेरे करके दरो दर्ब दर हो गया घरों बाहर निकलेगा तेरे सामने नहीं खाना। और तू इतनी मेहनत का सूप तैयार फलाना हूं मैं तेरे सामने रोटी खावा बैठा हूं। हलवा लेके गए थे अपने दोस्तों की तरह और वहीं से फिर आ गए। भी मैं हलवा लेके गया उनके लिए ठीक है जो पकाया था तुमने। हाँ। हमने कहा देखें ये भी कुर्बानी है। हमने कहा घर में नहीं रखे खाम का मीठा खाएंगे इससे अच्छा किसी दोस्त के किसी घर पहुंच दे दे। तो वो जहन में आई चलो उनको दे दे। और उनको जब मैंने दिया वो घर देने गए तो वो उसके घर वाले कहते भी दोपहर खाने के लिए रोटी पकी हुई है तो बजाय उसने कहा कि मैं घर में बैठ के खाऊं वो मुझे कहता है अंकल आप बदर रुकना उधर दुकान पे मैं आता हूँ। वो घर से वो लेकर आ गया। वो आ गया या वैसे आ गया तो बाद में कोई दूसरा लेने गया जो भी। तो हम चावल वो खाए और लेकिन इतने लजीज इतने ज़बरदस्त चावल आस पास लेकिन चावल कौन से थे आलू पुलाव इतने ज़बरदस्त बनाए उसकी बीवी ने। आप उससे बल्कि देखना ये वो सदा तुम्हें पता ही हो नहीं पता हो तो बंदा पूछ लीजिए ये किस फार्मूले पर बनाते हैं। हर कल्चर हर कौम का हर का एक अपना तरीका। अगर वो बेसिकली वो वाइफ उसकी ईरानी है वैसा ईरानी डिफरेंट होता है ना टर्किश ईरानी का तो उनका अपना एक स्टाइल है। इसमें हर कोई बंदा पूछे भी कैसे बनाए इतने जबरदस्त बने कि ये जितना आपका ये होना इतना था वो भर गया हम दो ही बंदे फिर हमने खाना बनाया। तो सोचे आप तो ये पता चल जाता है कि आजकल आप देखें मैं घर में अकेली बैठी होती हूँ और ये बाहर से खाना खा के आ जाता है इसीलिए तुम्हारा दिल ना करे तुम्हारा तेरा दिल खराब ना हो। देखो मैं कितना दिल तेरा रख दिया कि ताकि तेरा दिल सही रहे मैं चोरियां खा के आऊंगा। वो पता नहीं हजम कैसे हो रहा है ये पता नहीं। रात को नहीं खाता देखो। हाँ, रात को नहीं रात को भी खाया आपने भिंडियां खाई फिर आपको कब कब जो मैंने बनाई तो उसके साथ क्या खाया जरा बोलो। ब्रेड खाई लेकिन खाई तो भिंडियां तीन तीन दो स्लाइस डबल तीन या दो स्लाइस आपने भिंडी हां तो खाए तो ना अब झूठ नहीं बोल। पहले आप लोगों का सूप तैयार हो रहा है उसकी रेसिपी जल्द लग जाएगी इंशाल्लाह और आप भी हमारी तरह वैसे माशाल्लाह लोग जो है ना वो बहुत तारीफें तेरियां बड़ी तारीफें कर रहे हैं। बोला आंटी बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है सिर्फ ये नहीं कि लिबास तो चेंज कर लिया तो उच्च डिफरेंट हो गई वो चेहरे मेरे अंदाज बोलन तो हर चीज वो कहते कंप्लीटली सानू एक नवी चाची लग रही है। मैं कहा थानू पता नहीं है ये मैं लियाती नवी है कहते चाची बिल्कुल हमें न्यू की तरह लग रही है। मैंने कहा पुरानी हुई नहीं ये असी रखी इन्हू इन्ने लाड प्यार के नाल कि इन्हू पुरानी होने ही नहीं दी आज भी जो जो जड़ी पहले सी वो आज भी हुई है। चलिए हम आपका टर्न चाय बनाए हूं बस हूं देखो इतनी गलती इन शर्माट हो गई नहीं शर्माट नहीं और मैं तुसी चेहरा देखो इहदा एक रंग जा रहा ते एक आ रहा नहीं ये वो ब्लश लगा हुआ लिपस्टिक लगी हुई। मेरी बात सुनो आपने इन्हें हलवा दिखा दिया था कि नहीं ले गए थे साथ? नहीं हलवा तो ले गए थे। अच्छा चलो कोई नहीं हमने हलवा रखा नहीं कि जैद ना खा जाए पूरा तो जैद अपने शॉप पे जाते दोस्तों के पास जाते हैं
उनको काफी पसंद आया, वो अपने घर ले गए। फिर उन्होंने रेसिपी पूछी तो मैंने कहा एक दो दिन में लग जाएगी, तो आप ऐसे बना लें, क्योंकि अब जाहिर है उनका तरीका बनाने का और है। तो कहते हैं वो आंटी चाची वाली, फिर हम रेसिपी उस पर पकाएंगे। अब जैद बनाएंगे चाय और मैं बैठूंगी जब तक बैठ जाए, मैं चाय बनाऊंगा जिस शक कोई। तुम अब ये लगी है, ये क्या हरकत की आपने वहां पे? बीज तो चाटा जाता है और इसको धो तो सारा दया हो जाएगा। मैंने सारा उंगली से जैसे चाटते हैं बचपन से चाटते हैं, धोने की जरूरत नहीं ना, उसको काफी हद तक साफ कर दिया मैंने, वरना तो इसको फेंकना थोड़ी है। इसको मैं तो ये मानो पता नहीं कैसे लेकर फेंकना शुरू करता। मैं तो वहाँ बैठी हुई थी, मैंने नजर आया कि कुछ कर रहे हैं, मैंने इतनी खामोशी से कर दिया। ये इतना हलवा खाएगा कौन, आपने खाना है? उंगली ने चट गए नहीं, वो आया ही बाद में। चलो खा जाओ, कोई नहीं, ये खाएगा कौन इतना? आपने खाना है, इसीलिए मैंने कहा था नहीं बनाओ, तुमको शौक चला तो बनाए बनाए। मैंने कहा बनाया तो फिर खा हो जाएगा ना, तो खाने आज 10 दिन से मीठा हमने खाया नहीं है। मैं तो नहीं खाऊंगी, सिर्फ एक आइसक्रीम खाई हैदराबाद हमने, बस 10 दिन से ऊपर हो गए। फिर खा के बताएं, खा तो आपने लिया है, अब कैसे? मीठा मुठा खाना कोई असर नहीं होता, मैं एकदम वजन चढ़ता मेरा। तो ज़हरा क्या हुआ पापा, वो बच्चा क्यों रो रहा? उसमें लगी हुई ये ओए चल बब्बा मेरा शहजादा, उसको हर चीज लेना है, हर चीज उसको चाहिए, हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए। गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, ज़ाहिरा गंदे बच्चे। अब देख रही है, अब देख रही है सो क्यूट। ये देखो, ये देखो बाल भी बड़े हो गए इसके, माशाल्लाह। अभी देख रही है, इसके बाल लंबे लंबे लग रहे हैं मुझे, लंबे लंबे लग रहे हैं, लंबे लंबे लग रहे हैं। आई नो, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची, पारिशी बच्ची, पारिशी, ये पाले से बच्चा है। वो तो छीन रहे चीजें, सारी चीजें चाहिए, सारी सारी चीजें चाहिए। पकड़ो जरा, को पकड़ो 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 पकड़ो, भागो जरा, भागो 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 भागो। ओ ओ ओ शिगा सिरे, सुना आपने तो ड्राई दिया उसको। Oh my God! देखना, poor girl. देखो देखो कैसे serious है। इतना बच्चा, देखो उसका। I know, मेरे शहजादा। जायला, what happened? मम्मा ने डांटा? ये बात ठीक है, ठीक है। जायरा को डांट पड़ी। पप्पी करो मम्मा को, पप्पी कर दो, पप्पी कर दो, पप्पी करो, पप्पी करो। ओए 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 ओए। ए ए ए ए। वो हंस रही है, वो हंस रही है। पतला पानी पता करके तेरे बनाए हुए पतला कर रहे करके करके हो पानी पूरा फिर मैं खाना शायद पिछे हट दे तेन लाने तेरे हाथ लगा। ये हलवा मैंने अपने लिए बनाया था, आपने आधा अपने दोस्तों को दे दिया, आधा खुद खा लिया। इसको पतला करके ना, हाँ। नहीं मैं जो खा लूंगा फिर तू ना इतना कपड़ा इतना सेक सेक दे अपने मुंह में नहीं। मेरी आवाज भी इतनी जा रही है, पता नहीं ये की होने दे। अब बातें कम करें ना, घंटों घंटों जाके आप बातें जो अपनी तकलीफें सुना देते हैं। मैं क्या बकबक करें, मैं बोलना बंद कर दूं, अकेली बैठी रहेंगी तो तेरे को गल करना। मेरे साथ भी बातें करते उधर से बाहर जाते हैं तो जो बोलना शुरू करते ना मुझे घर तक आवाज आ रही होती है। तेरे फिर भी कोई लोकी गला कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ, कल परसों जैद के एक दोस्त बैठे हुए थे उसमें ड्राइंग रूम में, थोड़ी देर मुझे एहसास हुआ कि जैद खुद ही बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, कोई है नहीं, करते शायद वीडियो रिकॉर्ड कर। जब मैं गई तो देखा वो बैठे हुए, वो तो बस थोड़ी देर बात करते हूँ। उन्हें हाथ बनने ऐसी एक नीयत के तो मेरा मेरी छोटे ऐसी गल ये कह रही छड़िया कर तुम बहुत छोड़ू होगी पाकिस्तान होंगी। ये देखो मैंने इसको कितना पतला कर लिया, ये भी एक एक क्योर है, इसको और पतला होके ये अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको जब पीते हैं तो कहते हैं कि देसी घी है। अम्मा हमारी कहती है अब हमें नहीं पता, मैंने कहा वही ट्राई करूँ, देखो गला मेरा कहना
रोज बैठने बढ़ता ही जा रहा है और कोई सिम्टम नहीं, बस आवाज मिशी गोरी मेरी आ जाए तो चमज लिया अद्धा अद्धा खा लिया अद्धा अद्धा खा लिया चल खत्म ही कर लिया कर जो पीना शुरू एक घंटे के अंदर तू चाह का कप पीनी है ये पता नहीं कड़ा तरीका चाय का नहीं बोलना चाय के ऊपर नहीं चढ़ना आज की एक्टिविटी कोई दस की करना जी मैं रात की एक्टिविटीज में तंग आ गई हूँ क्यों क्योंकि आप खुद ही प्रोग्राम बनाते हो यू कर लें जैसे ही घर पहुँचते अच्छा वो खुला होगा कि नहीं खुला होगा रश होगी कि नहीं होगी वहाँ यू होगा कि नहीं होगा तो आप प्रोग्राम बना लें मुझे बता दें मैं गाड़ी तो नहीं है मोटरसाइकिल है या रक्षा है अकेला तो उसमें जाए बाकी मैं हो सकता है दोपहर के बाद मैं और जैद दोनों जाएंगे भाई के घर मेरा बड़ा भाई जो लास्ट टाइम ही टंडोला यार गए तो वहाँ ज़्यादा हमने रुकना नहीं है एक दो घंटे के लिए जाएंगे क्योंकि कल से रेनोवेशन जैद की शुरू होने वाली है तो आप तैयार हो जाएं एक और रेनोवेशन देखने के लिए जो पापा जैद का फेवरेट है बकौल उजैर भी कल कह रहा था मम्मा आप लोग यहाँ आते हैं रेनोवेशन शुरू करा देते वहाँ जाते हैं वहाँ शुरू करा देते गैराज जो है वो बनाना ज़रूरी है कार भी सेफ रहेगी और निकालने में रखने में आसानी रहेगी ये देखें ये आई डी जिसको कह लें बाकी अगर ये वीडियो जल्दी लग जाती है तो बहुत सारे लोग पूछे कि कार किधर गई तो इस महीने के अक्टूबर के अंदर उनका प्रॉमिस है कोई भी डेट हो सकती है अक्टूबर की किसी वक्त भी कार आ सकती है उन्होंने कहा जी अक्टूबर से आप आगे नहीं जाएंगे इसके अंदर ही मिलेंगे अब ज़्यादा चांसेस है उन्होंने बोला हमारे उसके मुताबिक जो डिलीवरीज हमारी कंपनी से उनको जो मिल रही हैं जो डीलरशिप को उसके मुताबिक वो कहते हैं 20 से 25 इसी महीने की अक्टूबर में इंशाल्लाह आपको गाड़ी हम डिलीवर कर देंगे उसके बाद फिर तरफ फ्रीडम हो जाती है आने जाने की जरूरत तो इस वजह से फिर आज ये हम करने वाले हैं टंडोला यार जाएंगे निहारी खाने जाना है और नर्सरी जाना है नर्सरी का तो पता नहीं होता है नहीं होता लेकिन निहारी और भाई के घर ये दो चीज़ें तो फॉर श्योर 100% आज होंगी तो उनके ब्लॉग के लिए आप रेडी रहें और उसके बाद पापा जैन ने जो नाश्ता बनाया है ज़बरदस्त किस्म का उसका ऑमलेट के न्यू ट्रैक नहीं आप ज़रूर जाके देखिए चलो ठीक है।